वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एलके झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से 66वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, 66वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस पर गहन विश्लेषण करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन आपसे बीपीएससी ले रही है 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करने की समय अवधि दी गई है और परीक्षा की संभावित तिथि 27 दिसंबर। 27 दिसंबर बीपीएससी 66वीं बीपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि है। और यह ध्यान देना है कि कुछ स्टूडेंट्स यह मानते रहे हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी। मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ कि बीपीएससी परीक्षा लेगी और 27 दिसंबर को ही परीक्षा पीटी होगी। इस बार 66वीं बीपीएससी परीक्षा में जो पोस्ट वैकेंट है, जिसमें 562 सीट की चर्चा विज्ञापन में बीपीएससी ने की है, लेकिन आप यह मानकर चले कि इस पर इसमें कुछ और सीट जुड़ेंगे, कुल सीटों की संख्या 700 से अधिक हो सकती है। कुल सीट की संख्या 66वीं बीपीएससी में 700 से अधिक होगी और इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। 66वीं बीपीएससी परीक्षा पर जो हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, इससे पूर्व हमें पूर्व में जो परीक्षा में प्रश्न पूछी गई है उस पर ध्यान देना होगा। 66वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हमें पूर्व में बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, उस प्रश्न की जब हम विश्लेषण करेंगे, उस आधार पर यदि हम 66वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, तो 64वीं बीपीएससी तक प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति रही है, उसमें 65वीं बीपीएससी की जो प्रश्न पूछी गई प्रारंभिक परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलती है। और वह परिवर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलती है, वह है विज्ञान के विषय में। आप देखिए कि 65वीं बीपीएससी परीक्षा में साइंस से 30 प्रश्न पूछी गई है, जबकि इससे पूर्व प्रायः 20 प्रश्न पूछी जाती थी। तो हमें यह समझना है कि यह विज्ञान का वेट यदि बढ़ाया गया है तो किस पार्ट का वेट कम किया गया है, और दूसरे शब्दों में विज्ञान को हम किस तरह से पढ़ें ताकि इसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित की जा सके। तो सबसे पहले हम पूर्व कुछ वर्षों में बीपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछी गई है पीटी परीक्षा में, उसका विश्लेषण करेंगे। फिर उस आधार पर हम 66वीं बीपीएससी परीक्षा की रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे कम समय में अधिक से अधिक हम अंक अर्जित कर सकें, सफलता सुनिश्चित कर सकें। यहाँ 60 से 62वीं बीपीएससी परीक्षा जो पीटी हुई है, इससे जुड़ी हुई प्रश्न की आपको विस्तृत डाटा दी गई है। आप ध्यान से देखिए कि संविधान और राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न पूछी गई है। अर्थव्यवस्था से कुल मिलाकर 18 प्रश्न पूछी गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर के 9 और बिहार से 2 प्रश्न पूछी गई है। फिर इसी तरह इतिहास, समसामयिक विज्ञान, भूगोल, गणित आदि विषय पर भी प्रश्न पूछी गई है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि संविधान में जो 10 से 12 प्रश्न बीपीएससी पूछ रही है, यह किस प्रकार की प्रश्न होती है। तो बीपीएससी की जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, उसमें संविधान का निर्माण से संबंधित, यानी संविधान का विकास क्रम से संबंधित प्रश्न हो सकती है, जहां से 1 या 2 प्रश्न पूछी जाती है। संविधान के प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, यह वह प्रारंभिक संविधान का भाग है जहां से प्रायः 2 से 3 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। यानी मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तक, भाग 4 तक यदि संविधान को आप सही से तैयार करें तो आप 4 से 5 प्रश्न को चेज कर सकते हैं। फिर संघ की कार्यपालिका,
जो भाग पांच में है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो भाग छः में है, वहां से भी एक दो प्रश्न हमेशा आपसे पूछी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट या न्यायिक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रही है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बीपीएससी की प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। पंचायती राज नगरपालिका से प्रायः एक प्रश्न या दो प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग, आपातकाल आदि से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। संविधान संशोधन से भी एक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति प्रायः रही है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था में ऐसे प्रश्न आपसे अधिक पूछने की प्रवृत्ति रहती है जो समसामयिक दृष्टि से चर्चा में होती है अथवा जिसका महत्व समसामयिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह अभी अभी बिहार में चुनाव है तो चुनाव से संबंधित आपसे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक बनती है। इसी प्रकार जो संविधानिक प्रश्न चर्चा में होती है, संविधान से जुड़ा हुआ जो प्रश्न चर्चा में होती है उससे संबंधित प्रश्न की तैयारी करनी होगी। इसके लिए किसी भी एक उच्च स्तर की पुस्तक की अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी बुक की अध्ययन आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में जो 18-20 प्रश्न पूछी जाती है, जिस तरह 62वीं बीपीएससी में आपसे 18 प्रश्न पूछी गई है, इस प्रश्न की क्या प्रवृत्ति होती है? तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न की प्रवृत्ति होती है वह आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित प्रश्न होती है, राष्ट्रीय स्तर से और बिहार के स्तर से भी। इसमें डाटा बेसिस प्रश्न अधिक होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक फंडामेंटल जो बेस है भारत के अर्थव्यवस्था के, उससे संबंधित प्रश्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत है वहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान है, जिस तरह विश्व बैंक, IMF, WTO आदि, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछी जाती है। अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, भारत के औद्योगिक नीति, भारत की व्यापार नीति, इस सबसे संबंध प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बजट, बिहार का बजट और भारत का बजट से संबंधित एक दो प्रश्न हमेशा आपसे पूछी जाती है। इन प्रश्नों में समसामयिक घटना से जोड़कर आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछी जाती है। जिस तरह 2020-21 में बिहार का कुल बजट कितनी है, 2020-21 के बिहार के बजट में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, राजकोषीय घाटा कितनी है, इस तरह से प्रश्न आपसे डाटा बेसिस प्रश्न पूछने की अधिक प्रवृत्ति होती है। बेसिक प्रश्न तो पूछी ही जाती है, इसके अतिरिक्त आपसे समसामयिक से जुड़े हुए प्रश्न अधिक होती है। इसलिए आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग अर्थव्यवस्था के समसामयिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित घटनाओं का गहन बिंदुवार अध्ययन करें। इतिहास, एक शब्द में कहा जाए तो बीपीएससी परीक्षा में इतिहास का महत्व सभी विषयों में सबसे अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 150 प्रश्नों का आप पीटी परीक्षा आपसे ली जाती है, जिसमें प्रायः 40 प्रश्न इतिहास से पूछी जाती है। तो इतिहास विषय बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में कहां से अधिक प्रश्न पूछी जाती है। तो 60 से 62वीं बीपीएससी में इतिहास में प्राचीन भारत से 10,
मध्यकालीन भारत से 6, मॉडर्न भारत से 19 और बिहार से 5 प्रश्न पूछी गई है। कुल प्रश्नों की देखा जाए इतिहास में तो 40 प्रश्न बनता है। तो प्राचीन भारत से 10, मध्यकालीन भारत से 6, मॉडर्न हिस्ट्री जो भारत का है वहाँ से 19 और बिहार से 5 प्रश्न पूछी गई है। स्पष्ट है कि 40 प्रश्न बीपीएससी में 60 से 62वीं में पूछी गई है। तो हमें प्राचीन भारत में कहाँ से अध्ययन किया जाए कि जहाँ अधिक से अधिक प्रश्न का चेज किया जा सकता है, तो उसमें आपको सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, गुप्त काल, मौर्य काल ऐसे और दक्षिण के कुछ वंश है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। एक दो प्रश्न 800 से 1200 ईस्वी के बीच के जो राजपूत काल कहलाता है वहाँ से, या क्षत्रिय वंश जो अधिक है वहाँ से भी एक दो प्रश्न आपसे पूछी जाती है। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण, संतलत काल, विजयनगर, शिवाजी, मराठा और मुगल वंश, इससे संबंधित प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न की पूछने की प्रवृत्ति हमेशा रही है। इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछी जाती है वह आधुनिक भारत से पूछी जाती है। इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न जो आपसे पूछी जाती है वह आधुनिक भारत से पूछी जाती है, जहां से लगभग 20 प्रश्न आपसे पूछी जाती है। यह 20 प्रश्न में प्रारंभिक यूरोपियन कंपनी के आगमन से प्रश्न होती है, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछी जाती है, गवर्नर जनरल और उसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो घटना घटती है वहाँ से प्रश्न होती है, फिर 1857 के विद्रोह से भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उससे संबंधित विभिन्न संस्था, पुस्तक, पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट जो विभिन्न विद्वानों या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई है समय समय पर, वहां से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। इन पार्टों से 7 से 8 प्रश्न आपसे पूछी जाती है। सबसे अधिक प्रश्न जो आपसे पूछी जाती है वह 1885 से 1947 के बीच, 1885 से 1947 के बीच जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है वहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछी जाती है। फिर उस क्रम में कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी कांग्रेस की महत्वपूर्ण नीति, उनकी मांग, उनकी सफलता और असफलता, भारत में उग्रवादी विचारधारा यानी गर्म दल के उद्भव एवं विकास, उनकी नीति, उससे संबंधित प्रश्न पूछी जाती है। क्रांतिकारी विचारधारा से भी प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और उस दौर में भारत विभाजन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछी जाती है। समसामयिक इतिहास के बाद बीपीएससी में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समसामयिक विषय। समसामयिक विषय पर लगभग 30 प्रश्न आपसे पूछी जाती है और ये 30 प्रश्न में पूछने की जो प्रवृत्ति रहती है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और बिहार से संबंधित होती है। करंट से सबसे ज़्यादा समसामयिक विषय से प्रश्न आपसे इतिहास के बाद पूछी जाती है, जो लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है। यह किस प्रकार की प्रश्न होती है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी में पीटी परीक्षा में सफलता के लिए समसामयिक विषय की बहुत ही निर्णायक भूमिका बनती जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रश्न को हम अध्ययन करें, राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रश्न का अध्ययन करें और राज्य स्तर पर किस प्रकार के प्रश्न का हम अध्ययन करें, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ऐसे प्रश्नों को अधिक ध्यान केंद्रित करें जिसका प्रभाव विश्व पर पड़ता हो, जिसका इफेक्ट जिसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता हो और विशेष रूप से भारत पर। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता है, उस प्रश्नों को आपको समझना है। जिस तरह सीरिया संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है और इसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता है। इसी प्रकार ईरान अमेरिका के बीच विवाद, भारत चीन अमेरिका की हांगकांग नीति, ताइवान नीति, ये सब ऐसे प्रश्न है, चीन नीति ऐसे प्रश्न है जहां से प्रश्न हमेशा आपसे पूछने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसा प्रश्न जो पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाला हो, अति महत्वपूर्ण घटना हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। यदि किसी देश में कोई महत्वपूर्ण पहल हुआ है, महत्वपूर्ण शुरुआत हुआ है, ऐसे प्रश्न भी पूछी जाती है। कहीं विद्रोह हुआ, कहीं हिंसक वातावरण हुआ, कहीं ऐसी नीति बनाई गई जो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी है, तो ऐसे जलवायु परिवर्तन ऐसे प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरा पार्ट, पहला इस तरह के जो विश्व स्तर को प्रभावित करता हो, विश्व को प्रभावित करता हो। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे ऐसे प्रश्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार की संगठन सम्मेलन होती है, विभिन्न प्रकार की संगठन है तो वह संगठन जो सम्मेलन शिखर सम्मेलन बैठक जो होती है, इस पर प्रश्न आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। विभिन्न प्रकार के संगठन जिस तरह ब्रिक्स है, WTO है, नाप्टा है, साप्टा है, आसियान है, ऐसे विभिन्न संगठन से कहाँ बैठक हुई, उससे संबंधित उसकी ऐतिहासिक, उसमें क्या निर्णय लिया गया, उसकी क्या थीम है, क्या लोगो है, क्या अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगी, ऐसे प्रश्न को आपको तैयार करना होगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल कूद प्रतियोगिता होती है, खेल कूद प्रतियोगिता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उस पर भी ध्यान आपको केंद्रित करना होगा। ध्यान देना है कि भारत और बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं वह क्रिकेट को तो अधिक इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन अन्य खेलों पर इंटरेस्ट कम रखते हैं। उन्हें विभिन्न खेलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल होती है, चाहे वह बेसबॉल हो, कबड्डी हो, चाहे स्कूनर हो, बिलियर्ड हो, कोई भी खेल हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ हो, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही इन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, उस खेल में यदि भारत ने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है, तो उस प्रश्न को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद प्रतियोगिता होती है, साथ ही जो पुरस्कार दी जाती है, विभिन्न संस्थानों द्वारा जो पुरस्कार दी जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार दी जाती है, चाहे वह साहित्य हो, चाहे नॉवेल से संबंधित हो, चाहे मैक्सेस पुरस्कार हो, मान बुकर पुरस्कार हो, या ग्रेमी पुरस्कार हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, कान पुरस्कार हो, बाफ्टा पुरस्कार हो, ऐसे विभिन्न जो पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है,
उन पुरस्कारों के बारे में आपको जानने की जरूरत है। ऐसे पुरस्कार जहां विशेष रूप से भारत से जुड़ा हुआ हो, वह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विभिन्न प्रकार की जो दिवस होती है, उस दिवस की लोगो और थीम भी आपको ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, डाइवर्सिटी से संबंधित और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के निदान से संबंधित, ओजोन परत के क्षय होने से रोकने से संबंधित, ऐसे जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन और प्रयास की जा रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अधिक होती है। महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो महत्वपूर्ण बुक्स लिखी गई है विभिन्न राइटर द्वारा, विशेष रूप से उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो भारत से रिलेटेड हो अथवा जिस पुस्तक को किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिला हो, ऐसे प्रश्न पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह के प्रश्न को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीति कार्यक्रम चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही है, उस योजना से संबंधित आपसे प्रश्न पूछी जाती है। भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की नीति कार्यक्रम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछी जाती है। नीति आयोग के विभिन्न सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक पर भी ध्यान देना होगा, जो विभिन्न प्रकार के सूचकांक विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी की जाती है, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। और नीति आयोग द्वारा जो सूचकांक जारी की जाती है, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। तो इन प्रश्नों पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजना कार्यक्रम चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार की नीति जो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए चलाई जा रही है, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद प्रतियोगिता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस किया हो, राष्ट्रीय दिवस, देश की महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल कूद पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार दी जाती है, चाहे वह ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या परमवीर चक्र से संबंधित पुरस्कार हो, पद्मश्री पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, जो भी पुरस्कार भारत के हैं, चाहे खेल कूद से है, सिविल पुरस्कार है, सैन्य पुरस्कार है, साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है, पत्रकारिता क्षेत्र का पुरस्कार है, पर्यावरण क्षेत्र का पुरस्कार हो, ऐसे पुरस्कार के बारे में आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। उनसे संबंधित जिस व्यक्ति को दी जाती है, उस व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, जो कभी महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको ध्यान रखना होगा। बिहार में किस प्रकार का प्रश्न हो जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करें, तो बिहार में जो बिहार की कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया हो और बिहार सरकार की जो विभिन्न योजना है, कार्यक्रम है, उससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछी जाती है। बिहार राज्य में किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया गया है, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। यदि बिहार के व्यक्ति को किसी भी स्तर का पुरस्कार दी जाती है या किसी भी स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धि कारण ख्याति अर्जित होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना आपसे अधिक से अधिक बनती है। प्रश्न उठता है कि समसामयिक विषय की कितनी दिनों की जानकारी होना अनिवार्य है, तो समसामयिक विषय की कितनी दिनों की जानकारी हो, इस पर कुछ बताना बड़ी असहज होगा, लेकिन साधारणतः हम आपको ये बताने का प्रयास करें कि 8 से 10 मंथ की जो तैयारी होनी चाहिए समसामयिक दृष्टि के लिए, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको इससे पूर्व के भी, साल 2 साल पूर्व भी कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना है
तो उससे संबंधित प्रश्न कोई कोई पूछी जाती है। यदि आपसे 30 प्रश्न समसामयिक से बीपीएससी पीटी में पूछती है तो 25 से 27 प्रश्न इसी 8 से 10 महीना के अंदर 25 से 27 प्रश्न आपसे होती है। दो चार प्रश्न हो सकती है जो साल दो साल एक साल दो साल पीछे का भी हो सकता है। इसमें भी जब हम बीपीएससी परीक्षा के एक माह पूर्व यानी बीपीएससी परीक्षा होने के 3 से 4 माह बीपीएससी परीक्षा के 3 से 4 माह पहले का जो प्रश्न होता है वहां से प्रश्न प्रायः 10 से 12 प्रश्न आपसे 15 प्रश्न तक भी पूछी जाती है। तो आपको इस प्रकार बीपीएससी की जो समसामयिक विषय है इस पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है और इस प्रश्न की तैयारी आप बहुत ही सहज रूप में कर सकते हैं यदि आप नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यदि नियमित रूप से नेशनल न्यूज़ सुनते हो और नियमित रूप से यदि आप मैगजीन लेते हो तो निसंदेह आपका ये 30 प्रश्न जो है इसमें 22 से 25 प्रश्न तक आप सोल्व कर सकते हैं और वह आपकी पीटी परीक्षा के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के बाद समसामयिक विषय से जो प्रश्न पूछी जाती है वह दूसरा महत्वपूर्ण अंकदायी पार्ट है जहां से लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है। अब हम विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो विज्ञान के अंतर्गत 3 पार्ट होता है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इसके अतिरिक्त साइंस टेक अप्लाइड साइंस वहां से भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो ये 3 विषय से जो आपको प्रश्न पूछी जाती है उसमें बायोलॉजी से कोई इसका एक निश्चित ढांचा नहीं है। जिस तरह देखिए 60 से 62 में बायोलॉजी से 10 प्रश्न, केमिस्ट्री से 8 और फिजिक्स से 2 पूछी गई है, लेकिन 63वीं बीपीएससी में देखिए बायोलॉजी से 4, केमिस्ट्री से 11 और फिजिक्स से 5 प्रश्न पूछी गई है। और फिर जब हम 64वीं बीपीएससी में आएंगे तो देखेंगे बायोलॉजी से 7, केमिस्ट्री से 4 और फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछी गई है। यानी किस विषय से कितना प्रश्न पूछी जाएगी इसकी कोई संतुलन नहीं है। फिर 65वीं बीपीएससी में आए तो बायोलॉजी से 11, केमिस्ट्री से 10 और फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछी गई है। कहने का अर्थ है कि साइंस में किस पेपर से कितनी प्रश्न पूछी जाएगी इसकी में इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यह आयोग के ऊपर निर्भर करता है किसी विषय में अधिक प्रश्न पूछने की और किसी बार किसी विषय में कम पूछने की रही है। लेकिन मोटा तौर पर यह ध्यान देने की बात है कि तीनों विषय से कम 5 प्रश्न पूछने की प्रयास आयोग द्वारा की जाती है और अधिक से अधिक 10 प्रश्न पूछी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 65वीं बीपीएससी में विज्ञान से प्रश्न 30 पूछी गई है, उससे पूर्व प्रायः यहां से 20 प्रश्न पूछी जाती थी। इस दृष्टि से यह प्रश्न उठती है कि क्या 66वीं बीपीएससी में भी साइंस से 30 प्रश्न होगी या नहीं होगी। तो ये प्रश्न का सही उत्तर बताना बड़ी ही असहज है, लेकिन यह संभावना बनती है कि यदि आयोग साइंस को वेट अधिक दे रही है, वर्तमान समय में तकनीकी दुनिया है, कोई भी क्षेत्र में आप रहेंगे आपको जो है प्रौद्योगिकी ज्ञान रहना अनिवार्य है। इस स्थिति में साइंस को कुछ यदि अधिक वेट दे रही है, ये भारत सरकार के रेलवे आदि परीक्षा पर भी लागू हो रही है, तो यह मान लिया जाए कि 66वीं बीपीएससी में भी आयोग 30 प्रश्न पूछ सकती है। अधिक संभावना है कि 66वीं बीपीएससी में भी जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछी जाएगी वह विज्ञान से 30 प्रश्न हो सकती है, क्योंकि विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा है, तकनीकी का प्रभाव बढ़ रहा है और यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यह देखी गई है कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस स्थिति में यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 66वीं बीपीएससी में भी साइंस से 30 प्रश्न पूछी जा सकती है। साइंस से जो प्रश्न पूछी जाती है वह बड़ी ही सामान्य स्तर की होती है, बहुत ही सतही स्तर की होती है। उसके लिए किसी भी विशेषज्ञ साइंस का विशेषज्ञ होना
विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। साइंस से सामान्य प्रश्न पूछी जाती है, यूनिट से जिस तरह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो यूनिट से एक साधारण प्रश्न होता है कि विभिन्न किसका कौन सा यूनिट है। इसी प्रकार जो भी प्रश्न आपसे चाहे साइंस में पूछी जाती है वह बड़ी ही साधारण स्तर की होती है। जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी का निदान क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे जो सामान्य रूप से एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है कि जो वह उसको जानता हो। तो साइंस से जो आपसे प्रश्न पूछी जाती है वह बड़ी ही सतही स्तर की होती है। भूगोल से जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है वह लगभग 18 से 20 प्रश्न बीपीएससी भूगोल से आपसे प्रश्न पूछ रही है। इस भूगोल प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रश्न पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रश्न भूगोल से होती है, विश्व की जो भूगोल होती है वह भूगोल मुक्त फिजिकल भूगोल होती है, भौतिकी भूगोल होती है, जिसमें ब्रह्मांड की स्थिति, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, जो मेटल है या नॉन मेटल है, इससे संबंधित प्रश्न होती है। इसी प्रकार जो पृथ्वी पर महासागर है, वायुमंडल है, जीव मंडल है, इस सबसे संबंधित आपसे प्रश्न होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न मुक्त फिजिकल भूगोल से आपसे पूछी जाती है। भारत से जो प्रश्न पूछी जाती है भूगोल में, वह भारत के जो भौतिकी संरचना है यानी फिजिकल भूगोल जो भारत का है वहाँ से भी प्रश्न होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक भूगोल, भारत के आर्थिक भूगोल से प्रश्न आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक भूगोल है वहाँ से 1-2 प्रश्न पूछी जा सकती है, लेकिन भारत के आर्थिक भूगोल से 4 से 5 प्रश्न पूछी जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक क्षेत्र है, खनिज संपदा है, उनकी क्षेत्र है, किस क्षेत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है, किस उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कहाँ किस प्रकार की औद्योगिक संस्थान है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रही है। बिहार से फिजिकल भूगोल से प्रश्न आपसे पूछी जाती है। मुक्त फिजिकल भूगोल से बिहार से प्रश्न पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त 1-2 प्रश्न बिहार के किसी क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक भूगोल है यानी जहाँ किसी क्षेत्र का उत्पादन, किसी क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु का उत्पादन होता है या खनिज संपदा प्राप्त होती है, जैसे पाइराइट भारत में सबसे अधिक बिहार में मिलती है, और यह कहाँ मिलती है, किस वहाँ कौन सी कंपनी है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती है। बरौनी में रिफाइनरी है, तेल शोधक रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, यह किस कंपनी के अंतर्गत काम करती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न होगा, फिजिकल भूगोल से प्रश्न होगा कि गंगा नदी बिहार में कितनी लंबाई है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ समाप्त होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, विभिन्न प्रकार के जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उससे भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि फिजिकल भूगोल से भारत से और बिहार से और वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 12 से 14 प्रश्न आपसे पूछी जाती है, और 5-7 प्रश्न जो है वह आर्थिक भूगोल से संबंधित होती है। गणित से हमेशा 10 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, और यह 10 प्रश्न सामान्य स्तर की होती है, मैट्रिक स्तर की होती है, जिसमें 6-7 प्रश्न तक आप तो सहज ही बना सकते हैं। 2-3 प्रश्न उच्च स्तर की भी हो सकती है, यानी कि IAC स्तर के भी हो सकता है। तो आपसे जो ज्योमेट्री पूछी जाती है, अर्थमेटिक्स पूछी जाती है, अलजेब्रा पूछी जाती है, ये जो भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है वह बड़ी ही समान स्तर की होती है। यदि मैट्रिक तक की आपकी तैयारी अच्छी है तो इन प्रश्नों की चेज करना बहुत ही सहज होगा, जहाँ आप 6-7 प्रश्न तक चेज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि BPSC की जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है 60 से 62वीं,
63वीं बीपीएससी और फिर 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी, इन सभी बीपीएससी प्रश्नों को अध्ययन करने से एक चीज़ बड़ी ही स्पष्ट हो जाती है कि प्रायः 10 से 12 प्रश्न संविधान पॉलिटी से पूछी जाती है, अर्थव्यवस्था से 15 से 18 प्रश्न पूछी जाती है, हिस्ट्री में प्रायः 40 प्रश्न पूछी जाती थी, लेकिन 65वीं बीपीएससी में हम देखेंगे कि 35 प्रश्न पूछी गई है, जिसमें बिहार का भी हिस्ट्री है, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अधिक प्रश्न होती है। इसी प्रकार समसामयिक में देख रहे हैं कि 30 प्रश्न प्रायः पूछी जाती है, साइंस में जो 20 प्रश्न पूछी जाती थी लेकिन 65वीं बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछी है, और उस प्रश्न को पूर्ति जो है वह 4-5 प्रश्न इतिहास से कम करके किया है, पॉलिटी में 12 प्रश्न पूछ रही थी, इस बार 10 प्रश्न पूछ के रोक दिया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल में भी 2 प्रश्न पिछले बार जो है उससे कम पूछी है। तो कहने का अर्थ है कि समसामयिक विषय का तो महत्व है ही, विज्ञान का महत्व और हिस्ट्री का महत्व, ये तीन विषय का महत्व बीपीएससी में सबसे अधिक है। देखा जाए तो ये तीन विषय मिलाकर लगभग 100 प्रश्न बनता है, यानी इतिहास, विज्ञान और समसामयिक विषय को ले लिया जाए तो 100 प्रश्न बनता है। और यदि आप 100 प्रश्न को चेज करते हैं, अधिक गहन अध्ययन करते हैं, तो उसमें आप 80 से 90 प्रश्न बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके पास 50 प्रश्न हैं उसमें आप यदि समान स्तर पर भी अध्ययन करते हैं तो 20 से 25 प्रश्न तो बना ही सकते हैं। तो इस अर्थ में यदि आप 105 प्रश्न तक बना लेते हैं तो पूरी संभावना है कि बीपीएससी पीटी आपकी हो जाएगी, क्योंकि बीपीएससी में निगेटिव मार्क्स नहीं है और बीपीएससी में 100 से ऊपर बनाने पर जनरल विद्यार्थी की होने की संभावना बढ़ जाती है। साधारणतः जो सीट की अंकलन है उसके आधार पर भी कट ऑफ 2 से 4 नंबर का अंतर आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 562 सीट अभी विज्ञापन में दी गई है, लेकिन पूरी संभावना है कि 700 से अधिक सीट बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में पूर्ति रिक्त रहेगी, जिसकी भर्ती की जाएगी। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि किसी विषय की अवहेलना नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर भी आपके लिए कट ऑफ के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होता है। जो एक नंबर कम लाता है और ज़्यादा लाता है वो सफल और असफल होता है। इसलिए सभी विषय पर संतुलित रूप में अध्ययन करना है, लेकिन जिस विषय से प्रश्न अधिक पूछी जाती है उस विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। जहाँ से प्रश्न कम पूछी जाती है, जिस चैप्टर से, जिस भाग से कम प्रश्न, किसी भी विषय में जिस भाग से प्रश्न कम पूछी जाती है वहाँ हमें कम अध्ययन करना है, और जहाँ अधिक प्रश्न पूछी जाती है वहाँ गहन अध्ययन करना है। यानी प्रश्न पूछने की क्षेत्र के आधार पर, प्रश्न पूछने के क्षेत्र के आधार पर यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, तो निश्चित ही बीपीएससी पीटी परीक्षा में सफलता अर्जित की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा जो 27 दिसंबर तो निर्धारित है, वह 27 दिसंबर को ही होगी। यह मानकर आप तैयारी में लग जाएं और पूरे यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आपको शुभकामना दी जाती है कि आप सफल हो, लगन के साथ मेहनत करें। धन्यवाद।